स्वात के लोग इतने फ्रेंडली है कि हम यहाँ किसी पार्क में हैं वैसे ही अननोन, तो इन्होंने हमारे साथ कहा कि मैच लगा लें और यहाँ पे कोई मसला नहीं, अलग आबादी है, फिर भी उन्होंने कहा मैच लगा लें, आप इसे देख सकते हैं। आप अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जनाब चल रहा था तो मुझे एक लाइव लेसन मिला कि यार खाना खाने के बाद जब वॉक करते हैं तो खाना हजम हो जाता है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस्लामाबाद जो है बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह है और यहाँ पर जो है लेट नाइट लोग होते ही नहीं हैं, मतलब कि जल्दी सो जाते हैं ऐसा वैसा। तो भाई जब रातें तो सोने के लिए बनाई हैं, दिन जो है वो उठने के लिए और काम करने के लिए बनाया, तो इस्लामाबादी लोग इसी पर अमल करते हैं। एक मज़े की बात यह है ना कि सिर्फ स्नैचिंग का जो है ना वो डर नहीं होता, अपन को स्नैचिंग का डर नहीं है, यहाँ पे इस्लामाबाद है भाई। एक सबसे बड़ा मसला वो ये हो सकता है कि रात के टाइम जो है व्यू तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा या स्लो मोशन नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंधेरा बहुत होता है, लेकिन उम्मीद है सुबह तक पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ सवाद में नज़र आएगा। जहाँ लोकेशन है बहुत प्यारी है, तो वहाँ जाके देखेंगे क्या सिचुएशन है। सिचुएशन राइट नाउ बिल्कुल जो है ना तकरीबन ज़ीरो ब्लाइंडनेस पे आ गई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत जो है ना टाइट किस्म की धुंध है यहाँ पे। तो जनाब आखिरकार 2:25 पे हम इस्लामाबाद से निकले थे और अभी जो टाइम हो गया है वो हो गया है 5 बज चुके हैं और हम सवात पहुँच गए हैं, यानी कि तकरीबन 2.5-3 घंटे लगते हैं। मोटरवे का जो रास्ता है ना वो भाई बहुत ही आउट क्लास है, लाजमी विज़िट करें जगह को। देखते हैं हमने जाना है अभी संगोटा सवात, देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। अभी फ्यूल फुल करवाया है गाड़ी में, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच संगोटा। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सवात पहुंच चुके हैं हम लोग और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बहुत ही आला व्यू है और बहुत ही आला सीन्स है। अभी जो है नींद काफ़ी सख्त आई हुई है, पूरी रात जो है वो सोए भी नहीं थे। फिलहाल हम हैं संगोटा में, संगोटा भी बहुत अच्छी प्लेस है विज़िट करने के लिए। सुबह पहुँचने के बाद जो है वो यहाँ के ठंडे पानी से हमने वज़ू किया तो स्वाद भी बढ़ गया, ज़ाहरी बात है थका भी बहुत हुआ हूँ। तो फिलहाल नींद पूरी करनी है, फिर जो है सवात का विज़िट होगा तो फिर आपको बताऊँगा कि क्या स्टोरी है। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जैसा कि देख सकते हैं हम सब उठ गए हैं और बासित भाई 10:30 हो गए हैं और अभी तक सो रहे हैं। हमने नाश्ता करने जाना है और हम सिर्फ इनका इंतज़ार कर रहे हैं। बासित भाई, बासित भाई उठ गए हैं। आपका स्टैंड चोरी हो गया। ये शौक लगते हुए ऐसे नहीं बनते भाई, लोग ऐसे नहीं बनते, शौक देकर खाना पड़ता है।
पेशावर पेशावर के सबसे अभी नहीं, अभी नहीं है, गुलफाम गुलफाम उच्च सात होटल थी उसारो। अच्छा सवाद के बड़े मशहूर कबाब हैं, चपली कबाब हैं सवाद के, बहुत ही मशहूर हैं और ये 60 रुपए का उन्होंने जायज़ का लगवाया है। हम जी पराठों का ऑर्डर दिया है और पराठे देखें माशाल्लाह जी सवाद के पराठे बेहतरीन है जी। सवाद के यहाँ पे खेल है स्पेशल, तो चेक करें चैलेंज होता है कि सबसे आखिर में जो है कौन लेके जाता है। ये सीन्स है भाई यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, पीछे दरिया बह रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम चेयरलिफ्ट पे बैठ जाएं और यहाँ से जो है दरिया पार करके वो उस जगह पे चले जाएं। निको सर भाई क्या आपके ख्यालात हैं सवाद के बारे में? सवाद एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, मैं खुद पहली दफ़ा यहाँ पे आया और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पैसे पूरे हो गए? पूरे हो गए। सब जो है वो हम चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, और डर तो बड़ा लग रहा है लेकिन खैर है भाई, एंजॉय भी तो कर रहे हैं थोड़ा। नहीं सकते यहाँ पे जो है बहुत हैवी सिस्टम लगाया हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, लिफ्ट का सीन ये है कि उस पर जो है 8 रुपये पर बंदा हमारे लिए किराया है, जो दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन पब्लिक जो यहाँ के रहते हैं वो बिल्कुल फ्री यहाँ का सफ़र करते हैं। तो भाई जान यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, कोई मसला नहीं है, कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे आपके साथ। सवाद के लोग इतने फ्रेंडली है कि हम यहाँ किसी पार्क में हैं वैसे ही अननोन, तो इन्होंने हमारे साथ कहा कि मैच लगा लें और यहाँ पे कोई मसला नहीं, अलग आबादी है, फिर भी इन्होंने कहा मैच लगा लें, आप ऐसे देख सकते हैं। आप ये हमारी टीम है जी इस्लामाबाद से जो आए हैं और ये जो है सवाद की टीम है, इनके साथ मैच है। गाड़ी वाला बंदा आया स्पेशल, कहते हैं मैं भी खेलूँगा, हालांकि बड़ी एज है अंकल की, लेकिन कहते हैं हमारे से मैच लगाना। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, यानी कि इम्पॉसिबल है, मैं यकीन नहीं कर सकता यार। आए हैं आप लोग की गाड़ी में आए हैं, वो पीछे गाड़ी खड़ी की है, इधर आए हैं जी मैच खेलेंगे। एंड फाइनली वी लॉस द मैच, क्यों भाई? असल में बात ये हुई है कि हमारी टीम ने मैच को बहुत इजी ले लिया, उनकी बॉल जो थी वो फुसफुसी थी, ठीक है, प्लास्टिक की। जिंदगी में हमने कभी नहीं देखी वो बॉल कसम से। और दूसरा बाल बैट ही नहीं रही थी, बैट भी हार्ड बॉल का था, लेकिन बंदे जो है ये बहुत मेहमान नवाज हैं और अखलाक के लिहाज से बहुत अच्छे। क्यों भाई, सही बात है ना, यही पॉइंट है। तो यहाँ संगोटा में है, संगोटा की बात करूँ, संगोटा में यहाँ पे गांव में है और बहुत ही आरा जगह, और यहाँ के लोग जो है बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, बहुत सारी। मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता वैसे इतना खास, ठीक है, और खेलता भी नहीं हूँ, तो फुटबॉल का शौकीन हूँ, फुटबॉल में प्लेयर भी हूँ, क्रिकेट नहीं खेलता मैं।